हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज 5 जनवरी 2020 की सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। आपको सारे के सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। चलिए आपको पहली न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। पहली न्यूज़ जो आ रही है, आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के डी सेक्शन से आ रही है, जहां पर जो LDCE एग्ज़ाम होना था, यानी जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होना था PS ग्रुप बी का, जो कि वैकेंसी 2017-18 और 19 के लिए, उसको जो है पोस्टपोन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट में पोस्टपोनमेंट ऑफ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन LDCE फॉर प्रमोशन टू द कैडर ऑफ PS ग्रुप बी फॉर द वैकेंसीज ऑफ द ईयर 2017-18 and 19। द कम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन द अफोर्सी सैड एग्जामिनेशन विच वॉज अर्लियर शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 19 जनवरी 2020। द एग्जामिनेशन विल नाउ बी हेल्ड ऑन 3 मई 2020 संडे। यानी कि जो एग्ज़ाम 19 जनवरी 2020 को होने वाला था LDCE PS ग्रुप बी के लिए, 18, 19, 19, 20 वैकेंसी के लिए, अब वो 3 मई को होगा। तो आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज़ जो आ रही है पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहाँ पर सभी पश्चिम बंगाल के जो हायर एजुकेशन के जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे, उनकी जो है वहाँ पर पे स्केल की फिर से रिवीजन किया जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें न्यूज़ है ये। 7th पे कमीशन पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज व यूनिवर्सिटी शिक्षकों के पे स्केल की फिर समीक्षा किए जाने का आदेश दिया है। विभाग के आदेश के तहत यह समीक्षा 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा कि शिक्षकों को रिवाइज्ड पे स्केल का लाभ 1 जनवरी 2020 से मिलेगा। इससे पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते 5 नवंबर को ऐलान किया था कि नया पे स्केल 1 जनवरी 2020 से लागू किया जाएगा। तो मुख्यमंत्रियों ने यह भी बताया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की बेसिक सैलरी में 3% का इजाफा भी किया जाएगा। अब उच्च शिक्षा विभाग ने सोमवार को एक निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया कि राज्य के कॉलेज व यूनिवर्सिटी टीचर्स के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। तो सभी जो भी वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो जिनकी भी सैलरी बढ़ने जा रही है, उन सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए तीसरी न्यूज़ की तब लेके चलते हैं। तीसरी न्यूज़ जो आ रही है, आप देख सकते हैं इसमें एक वैकेंसी निकली हुई थी SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, LDCE की वैकेंसी थी इसमें। आप देख सकते हैं LDCE की वैकेंसी थी लोअर डिवीजन क्लियर की, जिसका ग्रेड पे लेवल 2 है। पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी इसमें लेवल 4 है। डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जिसका भी लेवल 4 है। और चौथा जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका भी लेवल 4 है। तो आप देख सकते हैं लास्ट डेट बहुत करीब है। अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं फिल किया तो फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट इसकी रजिस्ट्रेशन की है जो 10 जनवरी 2020 है। और इसका जो एलिजिबिलिटी है हायर सेकेंडरी है, यानी अगर आप हायर सेकेंडरी पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। काफ़ी वैकेंसीज होती हैं इसमें, 4 से 5 हज़ार तक वैकेंसीज होती हैं। सबसे वैकेंसी इसमें पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की करीब 3000 के आसपास होती है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर दीजिए, हम आपका इसका पूरा आंसर देंगे। इस वैकेंसी में बाकी क्या क्या है और बाकी क्या क्या इसमें पर्क्स और अचीवमेंट्स हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट था, वीडियो अच्छा होगा लाइक करिएगा, शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ में। ऐसे न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।